Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। सो आज मैं आप सबको बताऊंगी 12 साल से 15 साल तक की बच्ची के लिए कुर्ती कटिंग इस वीडियो में फुल। सो वीडियो को एंड तक देखें और देखने के बाद हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैं इतना चौड़ा फोल्ड करना है, 4 फोल्ड में करना है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे 30 इंच पर मैं लेंथ ले रही हूँ। तैयार मुझको 32 इंच रखना है, नीचे मैं बॉर्डर लगाऊंगी। इसके बाद हम शोल्डर पर निशान लगा रहे हैं 6 इंच पर। इसके बाद आर्म होल पर निशान लगाएंगे 7 इंच पर। ये दो निशान हमारे लग चुके हैं। इसके बाद हम फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे 9 इंच पर। 18 है तो उसका हाफ लेंगे तो 9 इंच हो गया। इसके बाद हम 5 इंच पर स्पेस देंगे और फिर हम कमर का निशान लगाएंगे 8 इंच पर। 16 है तो हाफ 8 हो गया। इसके बाद अगेन हम 5 इंच का स्पेस देंगे, जैसे ऊपर दिया था वैसे ही। अब हम हिप्स का निशान लगाएंगे, हिप्स 20 है तो उसके हाफ 10 हो गया। तो ये हमारे 3 निशान लग चुके हैं फिटिंग, कमर, हिप्स। इसके बाद हम अपना दामन लेंगे 10 इंच पर और निशान लगा देंगे और इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन को भी ड्रॉ कर देंगे शेप देते हुए, फिटिंग से कमर तक, कमर से हिप तक। अब हम 1.5 इंच पर मार्जिन देंगे अंदर कटिंग के लिए, ये हमारा फिटिंग का निशान था। अब दूसरा निशान हम कटिंग के लिए लगाएंगे। तो पूरे में 1.5 इंच पर निशान लगा लिए हैं। अब इस तरीके से अगेन शेप देते हुए नीचे तक ले लेना है। अब आर्म होल का शेप देंगे, गोल शेप, इस तरीके से जैसे मैंने दिया है। ये नीचे थोड़ा कपड़ा है, कान है, इसको हम निकाल देंगे। तो ये हमारा निशान लग चुके हैं सारे, ये फिटिंग का है और ये कटिंग का है। नीचे हम बॉर्डर लगा लेंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको कटिंग करना है। तो पहले हम गले के लिए भी निशान लगा लेते हैं। 2 इंच लिया है मैंने ऊपर और इधर साइड नीचे की तरफ 2.5 इंच। इसको बॉक्स बना देंगे और गोल शेप दे देंगे। तो ये हमारा नेक बन चुका है। नीचे मैं पट्टी लगाऊंगी जो मैंने बताया था। तो फुल लेंथ हमारी 32 इंच रहेगी, ये आप देख सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग बाहर वाले निशान जो हैं उसके अकॉर्डिंग हमको कटिंग कर लेनी है। जैसे जैसे लाइन ड्रॉ है वैसे वैसे ही कटिंग करनी है। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। नीचे मैं बॉर्डर लगाऊंगी इस तरीके से, स्टिचिंग में मैं बताऊंगी दूसरी वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो सिर्फ मैं कटिंग बता रही हूँ। अब इसके बाद हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है और इसको मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। पूरी कुर्ती 12 से 15 साल की 1.5 मीटर में हो जाएगी। यहाँ पर मैं लेंथ 14 इंच ले रही हूँ। बॉर्डर लगाऊंगी तो हमारी लेंथ 16 इंच हो जाएगी। यहाँ पर मैं मोहरी लूँगी 5 इंच पर, यस 4.5 पर भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं आर्म होल लूँगी, पहले मैं गहराई दे लेती हूँ, बाद में नापेंगे 7.5 इंच। तो मैंने गहराई फुल दे दी है। अब इसको मैं 7.5 इंच नाप लूँगी, 7.5 इंच पर नाप लूँगी मैं। नीचे से नापते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ से 7.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे और नीचे भी हमारा 4.5 इंच पर निशान लगा है।
और इस लाइन को इस लाइन से ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा वाला इधर निशान लगाएंगे दूसरा मार्जिन के लिए 1.5 इंच पर, अब इस लाइन को भी ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद स्लीव्स को कट कर लेंगे। ये हमारा फिटिंग का है और ये हमारा कटिंग का है। बाहर वाली लाइन पर हम कटिंग कर लेंगे। सो गाइज, आप देख सकते हैं हमारी स्लीव्स कट चुकी है। नीचे हम बॉर्डर लगाएंगे तो हमारी तैयार 16 इंच स्लीव्स हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं। सो गाइज, हमारी कटिंग होकर रेडी है। ये हमारी स्लीव्स है और ये हमारी कुर्ती हो गई। वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।